हेलो दोस्तों, आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो क्लास 10 का हम पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज, आज सीखने वाले हैं 2.2, जिसमें क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। मतलब आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, और आपको जीरोस निकालना है। फाइंड द जीरोस, आपको जीरोस निकालना है, इसका जीरोस निकालना है। यदि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा तो आपके दो जीरोस निकलेंगे, जिसको हम एक को अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, यानी आपको जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो पहले तो समझेंगे जीरोस क्या होगा। जब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे या अनदर कोई मेथड यूज करेंगे, उससे जो वैल्यू आएगा आपके पास, तो एक वैल्यू होगा अल्फा और एक वैल्यू होगा बीटा। तो वो जो वैल्यू होगा वो कहलाएगा जीरोस, और कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के आगे में जो नंबर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। x के आगे में जो नंबर रहेगा उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये जो नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो बस आपको इसी में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, बताना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, आपको पता होगा कि ये वाला नंबर, ठीक है, और ये वाला नंबर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है उसको दो भाग में तोड़ते हैं। तो जब दो भाग में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद प्लस माइनस करेंगे, तो यदि मिडिल टर्म जो वैल्यू होगा वो यदि आता है तो आपका वैल्यू जो लिए वो बिल्कुल सही लिए। जैसे 8 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस का आएगा, ठीक है, यानी कि 8 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर आएगा। इसको दो भाग में आप तोड़ेंगे तो कितना लाना है, 2x लाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 4 रख लिए, यहाँ 2 रख लिए, 4 2 10 होता है, ठीक है, 4 2 8 होता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक में आपको, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लेना है, तो बड़े वाले में माइनस रख दिए और छोटे वाले में प्लस रख दिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहाँ रख दीजिए और एक एक्स यहाँ रख दिए। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हुआ, यानी ये वाला जो टर्म है उसको दो भाग में तोड़ के ये वैल्यू आया। ये वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहां से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। तो यहां पर x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x, और यहां हो जाएगा x माइनस 4। यहां से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 4। अब यहां से देख रहे हैं ये दोनों कॉमन मैच कर रहा है, तो आप ये दोनों से फिर से कॉमन ले लेंगे x माइनस 4, और यहां पर आ जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर x माइनस 4 इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4, प्लस का, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। तो पहले वाले टर्म को आप लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 4, और दूसरे वाले टर्म को लिखेंगे आप बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अब क्या करना है, आपको ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर टू वेरीफाई द रिलेशन, तो आपका होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा और बीटा का वैल्यू का योग, जोड़। तो यहां अल्फा का वैल्यू आया 4 और बीटा का वैल्यू आया माइनस 2। आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 4 रखेंगे और यहां पर प्लस माइनस 2 रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर माइनस बी बाय ए, अब यहां पर क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाए, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये है, इसके आगे क्या है, माइनस 2 है। तो आप यहां पहले से माइनस है और यहां माइनस 2, और नीचे में a, a का वैल्यू क्या हो गया, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर के आगे में जो नंबर है वहां पर है 1, तो आप यहां पर 1 रख देंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे इसको माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, और आपका वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो यानी कि दोनों वैल्यू मैच किया, यानी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। यहां पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यानी कि अल्फा और बीटा का इनटू होगा,
यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या हो गया 4 इंटू माइनस 2, तो यहां पर लिखेंगे 4 इंटू माइनस 2, और यहां क्या रखेंगे c बाय a, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म है आपके पास माइनस 8, आप यहां रखेंगे माइनस 8, और a, a का वैल्यू मेरे पास कितना है 1 है, आप यहां 1 रखेंगे और वैल्यू हो जाएगा आपके पास माइनस 8, और यहां पर आ जाएगा माइनस 8, यानी कि दोनों मैच कर गया, यानी कि आपका जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया। आशा है आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।